आज हम तीन दोस्त मिलके पतंगें लूट रहे थे, तभी दोस्तों अचानक से एक पतंग आती है, हम उसके पीछे भगते हैं, लेकिन दोस्तों अफसोस वो पतंग जाके पेड़ में अटक जाती है। फिर हम देखते हैं पतंग को फाड़ देना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं बहुत सारे पत्थर उठाते हैं और पतंगें मारना शुरू करते हैं। तभी दोस्तों अचानक से मेरा दोस्त एक पत्थर उठाता है जिसके नीचे दोस्तों कांच और टूटा निकलता है। पहले तो हम में से किसी को भी नहीं समझ में आता कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी मेरे दोस्त बोलते हैं इसे खोल के देखते, तो दोस्तों जैसे हम इसे खोलते तो पता लगता है ये तो किसी खजाना का नक्शा है जिसमें बहुत सारी पतंगें दे रखी है। पतंगों के खजाने तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें तीन पहाड़ियां ढूंढनी, उसके बाद दोस्तों एक नदी ढूंढनी, उसके बाद दोस्तों हमें पतंगों का खजाना मिल जाएगा। फिर हम निकलते हैं पतंग ढूंढने के लिए, चलते चलते हमें बहुत घना जंगल मिलता है। फिर मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि तुम घर जाओ, मैं अकेला लेके पतंग आ जाऊँगा, फिर तुमको भी दे दूंगा। फिर मैं निकल जाता हूँ पतंग ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद अक्षय मनी चट्टान हमें मिल जाती है, मैं चट्टान के पीछे जाता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ना शुरू करता हूँ। अब दोस्तों हमें नदी ढूंढनी है। अगर आपका भी कोई पक्का दोस्त है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे तो काफी सारे दोस्त से मैंने तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। कमेंट करके बताओ कि आपके दोस्त का नाम क्या है, अपने बचपन में पतंग उड़ाई है या नहीं। फाइनली हमें यहाँ पे नदी मिल जाती है, अब दोस्तों हमें पतंग ढूंढने, फिर मैं निकलता हूँ पतंग ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्तों अक्षय मनी पतंग मुझे यहाँ पे मिल जाती है, और दोस्तों बहुत सारी पतंग होती है, मैं फटाफट सभी पतंगों को इकट्ठा कर लेता हूँ, अपने दोस्तों के पास जाना शुरू करता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे दोस्तों को जब मैं पतंग दिखाता हूँ तो दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।